हर चर्चा का जो दौर अभी ये चला है, इसमें हम भी हतप्रभ है कि इस तरह से भी कोई आरोप लगा सकता है, और बहुत अजीब सा लग रहा है कि छवि वाले व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा दिया है जिसके हम खो दिखा सकते हैं। निश्चित आने वाले समय में राजनीति की अगर इसी यही स्थिति रही तो बहुत खराब होगा, अच्छे लोग राजनीति में काम कम कर पाएंगे। ऑफिस में जब चैनल पे चल रहा है तो स्वाभाविक होगा कि बहुत सही घटना होगी कि दिया होगा इस पर से नौकर राजकुमार ने राघवजी भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं, ऐसे में आपका क्या कहना है? मैं इस आरोप को सिरे से नकारती हूं और इसकी निंदा करती हूं, क्योंकि मैं अपने पिताजी को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूं। मैं ही नहीं वरन विदिशा के काफी सारे लोग उनको जानते हैं कि उनका आज तक का जो इतिहास रहा है वो बेदाग रहा है, और इस तरह से छोटी छोटी गंदी हरकतें उभर के आई हैं बाहर, जो मुझे वाकई में बहुत आश्चर्य करने वाली घटना है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस व्यक्ति ने भारतीय जनसंघ को यहाँ से विदिशा में एक गढ़ के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसने पार्टी में इतनी सेवाएं दी हैं और मध्य प्रदेश को बीमारी राज्य को आज वित्तीय प्रबंधन की वजह से आज देश के सर्वोच्च अग्रणी राज्यों में शामिल कर दिया है, ऐसे व्यक्ति पर ये जो आरोप है वो बिल्कुल निरापद हैं और बिल्कुल झूठे हैं। कहीं ना कहीं ये आज मीडिया के माध्यम से ये पता चला है कि उस सीडी का जो पुराना मामला था, आज से तकरीबन एक साल पहले वो मामला पार्टी में उठाया गया था, उस मामले को लेकर भी ये कार्रवाई हुई, उस मामले में आपको क्या कहना? नहीं, मुझे ऐसे कोई मामले की जानकारी नहीं है। दीदी, राजकुमार कौन है, इसके पीछे क्या षड्यंत्र लगता है? मुझे तो यही लगता है कि इनके जो विरोधी हैं, पिताजी के जो विरोधी हैं, उनके द्वारा और विपक्ष के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है। पिताजी के विरोधी पार्टी में ही, भारतीय जनता पार्टी? नहीं, पार्टी के तो मैंने नहीं कहा, मैं तो कह रही विरोधी। विरोधी तो कोई भी हो सकते हैं ना। क्या पार्टी में है क्या विरोधी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहती भी पार्टी में विरोधी। विपक्ष का हाथ है इस पूरे षड्यंत्र में? मैं ऐसा मानती हूँ, विपक्ष का हाथ है इसमें। ये जो राजकुमार कब आया था, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कोई राजकुमार विदिशा में था नहीं, मैं विदिशा में ही रहती हूँ और मैंने उसको कभी नहीं देखा है कि कौन है राजकुमार। पहले कभी काम करता था क्या ये राजकुमार? नहीं, राजकुमार नाम का कोई प्राणी भाई जी के बंगले पे काम करता था, मेरी जानकारी में तो नहीं है। कोई राजकुमार नाम का लड़का कोई काम करता ही नहीं था उनके भोपाल बंगले। ऐसा भी सुना गया है कभी चोरी के आरोप में उसको हटा दिया गया था 6 महीने पहले? 3-4 सर्वेंट आए हुए थे अलग अलग, और उन्होंने जब चोरी वगैरह किसी ने की, किसी का गलत दिखा तो उनको हटाया गया था। तो उसमें से राजकुमार भी थे? नहीं, राजकुमार का मुझे नहीं मालूम कि राजकुमार उसमें था कि नहीं था। तो राधेश्याम डांगी नाम? नहीं, राधेश्याम डांगी भी नहीं है। दोनों नाम नहीं, राजकुमार। आगे आपके अगला के नाम क्या होगा, चूंकि इस्तीफा दे दिया है आप? हाँ, क्या जांच के बाद किसका अगला कदम? इस तमाम घटनाक्रम में आपका कहना कि ये जो मामला क्या है, होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, क्या मांग रहे हैं? नहीं, इसकी जांच होना चाहिए, और मैं तो ये कहती हूँ कि आज तक उनका जो शुरू कर से लेके आज तक का जो कैरियर है भाई जी का, उस पर गौर करते हुए इस तरह के आरोप अगर लगाते हैं तो इस पर निश्चित ही विचार करना चाहिए, और जिन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उसका जवाब जनता भी देगी।
इसके समर्थक भी देंगे। जी, इसमें एक चीज और, इसमें इस्तीफा मांगा गया था या भाई जी के सामने जो बात आई दोनों इस्तीफा दे दिया, ये इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि मेरी भाई जी से बात नहीं हुई है। तो अचानक इस्तीफा कैसे दे दिया गया, क्योंकि आरोप तो अभी दिग्विजय सिंह ने सुषमा स्वराज पे भी लगाया है, तो इस्तीफा देना इतना इतनी सरल तरीके से इस्तीफा दे दिया, इस बात को मैं कैसे बता सकती हूँ क्योंकि मेरी भाई जी से बात ही नहीं हुई है। इसका आपके राजनीतिक जीवन पर क्या असर पड़ेगा, इसका राजनीतिक जीवन पर क्या असर पड़ेगा खासकर? मैं समझती हूँ कि इसका इस तरह के झूठे आरोपों का राजनीतिक जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोग मुझे भी जानते हैं कि मैंने विदिशा में जन्म लिया है, उन्हीं के बीच में मैं काम करती हूँ और पिताजी को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने इतने जिंदगी के 78 वर्ष तक लगातार इस विदिशा को सेवाएं दी हैं, इसलिए मैं नहीं समझती हूँ कि इसका कोई असर होगा। भाजपा के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि एकमात्र ऐसे नेता थे जिनका बहुत जमीनी स्तर पर जुड़ाव था, दूसरे बीजेपी के ऊपर, तो जिला नहीं संसदीय क्षेत्र की भी हम बात करें जी। तो इस तरह के झूठे आरोप किस तरह दूरगामी प्रभाव, चूंकि सामने चुनाव आने वाले हैं, मैं नहीं समझती हूँ कि इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, क्योंकि है ना यहाँ के कार्यकर्ता व्यक्ति व्यक्ति उनको जानता है और इस तरह से इस झूठे आरोपों से यहाँ के लोग बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे। कुछ दिनों से मीडिया में भी आ रहा था एक सर्वे के अनुसार कि ये सीट खतरे में दिखाई देती है, ऐसा नहीं लगता कि आपको राज्य षड्यंत्र के तहत ये मामला हुआ है कहीं ना कहीं चुनाव पे मैं टिकट काटने की वजह से? हो सकता है, राजनीति में सब कुछ होता है, वो भी मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि इनको एक राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। दिशा की आन पे धब्बा है, दिशा की आन पे धब्बा है, दिशा की आन पे धब्बा है। मैं नाम कार्यकर्ता साथियों, जैसा कि आप सब लोगों ने टीवी चैनल और समाचार पत्रों के माध्यम से आपने देखा कि विदिशा के प्रजातंत्र को विदिशा के चुने हुए जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ने भारत के इतिहास में एक ऐसी कालिक पोती है कि हमारे प्रजातंत्र में आज तक ऐसी कालिक किसी ने नहीं पहुंची। आज हमारा देश और हमारा प्रजातंत्र पूरी तरह से शर्मसार हो गया है इस घटना के साथ, और राघव जी भाई ने न केवल विदिशा की आन को और विदिशा की जनता को और विदिशा के मतदाताओं का अपमान किया है, वरन प्रदेश के प्रजातंत्र पर ऐसा कालिक पोता है। यह कालिक सदैव एक ऐसे अक्षरों में लिखा जाएगा और उसके साथ साथ विदिशा के मतदाताओं की चर्चा पूरे देश में होगी। आज जो शर्मसार घटना हुई है इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और इस निंदा प्रस्ताव के लिए हम आज जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी के साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं अगले लोग वित्त मंत्री से तो उन्होंने इस्तीफा शिवराज जी ने ले लिया क्योंकि पहले ले लाना चाहिए था, और उसी के साथ हम उनसे आज सभी लोग मिलकर विधायक पद से भी इस्तीफा मांगते हैं कि तत्काल आपको विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि आपने कांड ऐसा किया है। जहाँ तक आप कहते हैं बेटी बचाओ महिलाओं की इज्जत बचाओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री खुद महिलाओं के साथ उनकी इज्जत को उड़ा रहे हैं, ऐसे में विधायक पद से भी इस्तीफा मांगती है विदिशा की जनता। दीपक भाई महिला तो क्या लड़कों तक तो नहीं छोड़ रहा। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के परम अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर मेहताब सिंह जी, कांग्रेस परिवार के हमारे सभी आदरणीय साथियों, नौजवान साथियों और दोस्तों, पत्रकार बंधु, आज सारा मध्य प्रदेश इसी के साथ साथ अगर शिवराज जी उनको विधायक पद से इस्तीफा नहीं ले देते तो हम ये समझेंगे शिवराज सिंह जी भी इस कांड में लिप्त है। हम लोग सभी लोग शिवराज सिंह से भी इस्तीफा मांगते हैं, सभी लोग हाथ ऊंचा करके ये हमारी मांग को इस्तीफा दो, शिवराज सिंह इस्तीफा दो। मध्य प्रदेश में बलात्कार में नंबर वन है शिवराज सिंह की सरकार, और अब तो उनके मंत्रियों के कारनामे 377 में राघव जी भाई पे मुकदमा दर्ज हुआ। ये बड़े शर्म की बात है सरकार के लिए और मध्य प्रदेश के लिए, खास तौर से विदिशा के लिए। विदिशा को जो शर्मसार किया है इसके लिए हम राघव जी भाई की घोर शब्दों में निंदा करते हैं और शिवराज सिंह जी से निवेदन करते हैं कि वो तत्काल राघव जी भाई से विधायक पद से भी इस्तीफा ले और शिवराज सिंह स्वयं भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे, क्योंकि उनकी पूरी सरकार
बलात्कार बलात्कार किया, राजा ने क्या किया, विदिशा को बदनाम किया, राजा ने क्या किया, विदिशा को इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री 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 बोले यार विदिशा की आग में धब्बा है, विदिशा की आग में धब्बा है। शर्म करो, राघव जी तुम शर्म करो, शर्म करो।